नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की गतिविधियां लगातार तेज हो रही है। अपने धुन के पक्के भाजपा के कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। बरसों से जिस मामले को लेकर लोग इंतजार देख रहे थे, वो मंदिर भी बनने जा रहा है। घर घर अक्षत देकर के न्योता दिया जा रहा है और तमाम लोग जो रामलला का दर्शन करना चाहते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी मुफ्त में दर्शन कराने की व्यवस्था भी स्वयं कर रही है। इन सब बातों के बीच भी पार्टी संगठन के मजबूती को बड़ी गहराई से देख रही है। उसी संगठन के मजबूती के बीच आज जिलाध्यक्ष ऋषिकेश राघव, जो झंझारपुर भाजपा जिला के अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई। तमाम मंडल स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मजबूती से इस बैठक में आए हुए थे। कई प्रकार के टास्क मिली और इस बैठक में महामंत्री के रूप में पहुंचे शिवेश राम जी मुख्य अतिथि के रूप में थे। उन्होंने सांगठनिक रूप से काफी टास्क लिया, कुछ जानकारियां भी दी और क्या कैसी योजनाएं हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूं कि वो हमारे दर्शकों को बताएं। मैं आपको सीधा महामंत्री शिवेश राम जी से मिलाता हूँ। देखिए, हम लोग नियमित संगठन की बैठक होती रहती है, राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश से लेकर जिले और नीचे मंडल। हम लोग बूथों पर तक काम करने वाली पार्टी है, 24/7 हम लोग काम करने वाले लोग हैं। उसी को लेकर हम लगातार प्रवास में पिछले 10 दिनों से अपने जिलों में जाकर संगठन के कामों को आगे बढ़ाना है, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और एक तरह से कहिए कि हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, अपने प्रदेश जिला के पदाधिकारी हों या मंडल के पदाधिकारियों से लगातार हम बात करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो है आज 10वां साल में प्रवेश करने वाले हैं, 9 साल हो चुका है, 9 साल कंप्लीट करके 10वें साल में जा रहे हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई छुट्टी नहीं लेते हैं और दिन रात इस देश की सेवा में लगे हुए हैं और इस देश की जनता की सेवा में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से हम पार्टी के पदाधिकारी हम लोग हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग का दायित्व तो बनता है कि हम भी अपने लोगों के बीच में लगातार जाएं और काम करें। संगठन के माध्यम से सरकार की जो योजनाएं हैं, जो हमारे भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, उनको जमीन तक हम कैसे उतारें, इसके लिए प्रधानमंत्री जी भी लगे हुए हैं और कई एक माध्यम है। जैसे अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को जो जन्मदिन था, विश्वकर्मा योजना, जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो जमीन पे गरीब मजदूरों की योजना है, उसके माध्यम से हमारे जो गरीब मजदूर हैं उनको हम रोजगार की गारंटी देते हैं, उनको हम सस्ते 5% पे हम लोन देने का प्रावधान कर रहे हैं। स्किल इंडिया के माध्यम से हम उनको ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं, जो नीचे स्तर के जो हमारे गरीब गुरुवा हैं, जैसे लोहार हैं, हमारे राजमिस्त्री हैं, जो सिलाई करने वाले लोग हैं, इस तरह से जो बढ़ई के काम करने वाले हैं, जो नाव बनाते हैं, जो हमारे जो जाल बुनने वाले हैं, ऐसे करके 18 विषय हैं जिन पर हम फोकस कर उनको लोन देने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ उनको स्किल भी कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। और स्किल करने के बाद उनको स्किल के दौरान जो 5 दिन हम जो स्किल होगा उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको एक स्कॉलरशिप भी देने वाले हैं। और उस ट्रेनिंग के बाद हम 15,000 का टूल किट भारत सरकार की ओर से मिलने वाले हैं और उसके बाद 1,00,000 रुपया का पहला अनुदान मिलेगा, जो मात्र 5% के पे होगा, और दूसरा अनुदान 3,00,000 रुपये का होगा, कोई 5% का होगा। और अभी जो हमारे मोदी की गारंटी का रथ जो चल रहा है, जो हम विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चले हुए हैं, हम क्या देखते हैं कि हमारे जो खासकर बिहार ऐसे राज्य में जो हमारे प्रखंड स्तर पे जो यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे वो गाँव तक नहीं जाते हैं लोग, तो हमारी जो मोदी की गारंटी की रथ चल रही है उस पर कंप्यूटर लगा हुआ है, उस पर कंप्यूटर ऑपरेटर है और उस पर नोडल पदाधिकारियों का होना तय हो चुका है और उस पर चल भी रहे हैं, कई जगह चल रहे हैं, उसमें नोडल पदाधिकारी जिला में DDC होंगे और हमारे पार्टी की ओर से भी उसमें लोग लगे हुए हैं। और नीचे में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना है, जैसे उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस का बात है, अटल पेंशन योजना का बात है, आयुष्मान भारत जो नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों को जो दिया है, 5 लाख का जो हम जो गरीब बीमार होते हैं उनको 5 लाख का बीमा मिला हुआ है, उसका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और जो 18 विषय हैं, जो जनधन के माध्यम से जो खुलना है, जिसमें अटल पेंशन योजना है, अटल जी का जीवन बीमा की योजना है, ऐसे 18 विषयों की जानकारी भी हम दे रहे हैं
और ऑन द स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, जिससे हम जो गरीबों को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा सकें, जैसे वन राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, चाहे कोई भी विषय हो, सरकार केंद्र सरकार से जुड़ी हुई कोई योजना है उनकी हम जानकारी भी दे रहे हैं उस स्थल पर, और उनका डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं। मूल रूप से हम इस देश की जनता के सेवक के रूप में हम काम कर रहे हैं, और हमारे प्रधान सेवक तो सब खुद ही बोलते हैं नरेंद्र भाई मोदी है, तो हम लोग का ही दायित्व है कि हम जनता की सेवा भी करें। 2023 में जो ट्रायल चुनाव कहा जा रहा था उसमें तीन जगहों पर आपको भारी सफलता मिली और हिंदी पट्टी में आपकी सफलता के गाथे लिखे जा रहे हैं। 2024 में लोकसभा चुनाव है, झंझारपुर के परिपेक्ष में इस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं को आपने क्या कोई विशेष निर्देश दिया है? देखिए, पिछले चुनाव में 2023 में हम 40 में 39 सीट जीते हैं काम के झंझारपुर एक, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पे। मैं तो बहुत 25-26 सालों से संगठन में काम कर रहा हूँ, मैंने 25 साल पहले भी मैंने अपने कान से सुनने का काम किया, जो गठबंधन के दल के लोग होते थे वो कहते थे किसी तरह भैया टिकट ले लो तो पार्टी कैसे जीतेगी, आपका संगठन ही तो भाजपा है ना। पहले का अर्थ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी मजबूत है और काफी निचले स्तर पर काम करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं देख रहा था, डाटा देख रहा था कि मेरा 50% ज्यादा वोट परसेंटेज इस जिले का जो झंझारपुर लोकसभा का, तो निश्चित रूप से इस बार मुझे कोई संकोच नहीं करने में कि हम 40 में 400 सीट जीतने वाले हैं। इस बार एनडीए की जो टीम है ये 400 के 40 जो नेतृत्व हमारे पास है, जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, और आपने जो बहुत अच्छा बात उठाया कि हमारे जो विधानसभा के चुनाव हुए किस तरह से नेहरू परिवार के राहुल गांधी ने और उनके वरिष्ठ नेताओं ने किस तरह समाज बांटने का काम कर रहे थे कि हमको जाति जनगणना कराएंगे तो हम पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कर रहे थे, तो ऑलरेडी तो हम दे ही रहे हैं, सबका साथ सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी कर ही रहे, पिछड़ों को तो बढ़ाने का काम किया और अनुसूचित जाति के हर कामों को नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया, और साथ ही साथ सवर्ण के गरीब लोगों को भी आरक्षण देने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखने वाली पार्टी है, और सबका ध्वस्त हो गया, जो भी लोग थे जो राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो दुष्प्रचार कर रहे थे, समाज को बांटने वाले काम कर रहे थे, आज इस देश का नेता कौन है? हमारे पिछड़े समाज का नेता है जो नरेंद्र मोदी जी, पिछड़े समाज से आते हैं, तो आप क्या इससे ज्यादा पिछड़े समाज को हम क्या दे सकते हैं? आज देश का राष्ट्रपति कौन है? हमारे जो समाज के सबसे जो पिछड़ा जो अनुसूचित जनजाति की महिला है द्रौपदी मुर्मू जी को का नेतृत्व है राष्ट्रपति के रूप में, और उस राष्ट्रपति का लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया। धनखड़ जी कौन है? एक जाट समाज से पिछड़े गरीब किसान के बेटा है, उनको किस तरह से 4 दिन पहले इन्हीं लोगों ने मजाक उड़ाने का काम किया, कल्याण बनर्जी ने, राहुल गांधी ने, एक बच्चे की तरह फोटो उसका वीडियो बना रहे थे। जी जी जी, ये तो समाज का अपमान करते हैं ये लोग, समाज को आगे लेके कभी नहीं बढ़ते, और कभी भी ये लोग अपने परिवार से बाहर नहीं जाते। भारतीय जनता पार्टी एक पारिवारिक पार्टी नहीं है, समाज जी, जी, पार्टी है। वो तो खैर जनता देख रही है और जनता जो समझ रही है इसी अनुसार आपका जनता में पैठ भी बढ़ता जा रहा है। तमाम राजनीतिक बातों के बीच चूंकि आप पार्टी के बड़े पद पर हैं, बड़ी जवाबदेही ले रहे हैं, हल्की सी अंत में आपसे छोटी सी धार्मिक बातें मैं कर रहा हूं। जी जी। ये राम जन्मभूमि निर्माण का सब कुछ तिथि तय हो गया है, उसमें बैठक में बताया गया कि यहां से लोग अगर जाना चाहें तो फ्री में जा सकते हैं। झंझारपुर से क्या व्यवस्था रहेगी, थोड़ा सा संक्षेप में इसे बताएं। और एक बात और भी इसी में मैं जानना चाहूंगा कि राम मंदिर से कुछ अक्षत जो होता है वो पहुंचा है झंझारपुर, घर घर पहुंचाना है, उस पर क्या कैसे क्या योजनाएं हैं लोगों को? पहला नंबर तो हम लोग सब, हम नरेंद्र मोदी जी का आभार, हमने मीटिंग में किया है जी कि हम कोई दूसरे जगह पर नहीं मांग रहे हैं, हम कोई मक्का मदीना में राम मंदिर बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, वेटिकन सिटी में बनाने की बात नहीं, हम तो जहाँ जन्म हुआ मेरा अधिकार है उस जगह को तोड़ के बाबर ने मस्जिद बनाने का काम किया, और हमने कोई उसको आंदोलन करके जमीन को नहीं लिया है। इस देश के हमको जो संविधान है उस पर हमको विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी जी संविधान से मिला। हाँ बिल्कुल, संविधान से सुप्रीम कोर्ट का हम लोग न्यायिक पालिका को मानने वाले लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो जगह को मिला, और हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी नहीं बना रही है, हमारे जो इस सनातन लोग उस मंदिर को बना रहे हैं जी, जी। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है,
और पूरे देश के लोगों ने, तो पूरी दुनिया के लोगों को उस पर नजर था कि कब राम जन्मभूमि का मंदिर, विशाल मंदिर बने, और सौभाग्य से 22 तारीख को हम लोग को उस प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, और उस प्राण प्रतिष्ठा में देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी लोग वहाँ आने वाले हैं, और वहाँ पे एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। उसी कार्यक्रम के बाद 24 जनवरी से पूरे देश में, झंझारपुर नहीं, पूरे देश से हम भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था कर रही है कि हर एक स्टेशन से लाखों की संख्या में लोग जाएं और भगवान राम का दर्शन करें, रामलला का दर्शन करें, इसकी हमारी पूरी तैयारी है। उसमें कोई बाध्यता नहीं है कि 10,000 जाए कि 20,000, जितने लोग भी जाना चाहे, जितने लोग जाएं, और जाने आने की कुछ नहीं, ये बहन भाजपा करेगी, भाजपा करेगी। वहां पहुंचा कर खाना खिलाने का भी काम हम करने वाले हैं, रहने की व्यवस्था वहां से जो लोग जाएंगे उनको हम वापस छोड़ेंगे भी, और ये अनवरत 2 महीने चलेगा ये यात्रा से पूर्व। अक्षत जो है, अक्षत ये हमारे जो संघ के लोग हैं, ये घर घर अक्षत पहुंचाने का काम, एक तरह से न्योता देने का काम करेंगे। जी, 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 जी। जैसे हम शुभ काम में न्योता देते हैं, तो भगवान राम का, रामलला के उस प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मंदिर में पहुंचने के लिए हमने एक तरह से कही है कि आमंत्रण देने का काम करेंगे। अक्षत हमारा बहुत शुभ काम है, हम उस अक्षत के माध्यम से हम एक तरह से आमंत्रण करेंगे काम का। चलिए, आपके आमंत्रण को लोग स्वीकार करें और रामलला के दर्शन करें। धन्यवाद, धन्यवाद। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।